इस कार्यक्रम के संचालक भाई प्रशांत बजरंगी को मैं दो पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहूंगा कि जब घनी प्रतीक्षा बाद कोई बदली पानी बरसाती है, जब धरती वर्षों तप करती तुम जैसा बेटा पाती है। प्रशांत बजरंगी भाई, आदरणीय माधव भैया और आशीष जी कहाँ पे हैं? जरा जोरदार तालियों के बीच में इनका स्वागत करते हैं। माधव भैया, आशीष भैया, ये लोग बड़े काम कर रहे हैं। अब मैं 5 मिनट आपके बीच रहूंगा। दरअसल कार्यक्रम की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, उन बीच में जगत जननी माँ जानकी की पावन धरती सीतामढ़ी से आप सबको अपना प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। मेरे आदर्शों में से एक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यस्मृति को प्रणाम करता हूँ। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, बिल्कुल 5 मिनट पढ़ूंगा, 6ठा मिनट नहीं गारंटी, लेकिन 5 मिनट में आप इस तरह से सुन लेंगे तो मेरा मन बन जाएगा। मैं निवेदन करता हूँ कि गुरु गोविंद और गौतम के आभारी है हम, शीश मुकुट चाणक्य सिखा के धारी है। गुरु गोविंद और गौतम के आभारी हैं हम, शीश मुकुट चाणक्य सिखा के धारी हैं। हमको एरे गेरे नत्थु खेरे मत कहना, हम सौ पर भारी साहब एक बिहारी हैं। हम सौ पर भारी साहब एक बिहारी हैं। मैं बात अक्सर कहता हूं कि हम सबके बाप दादाओं ने हमें विरासत में मोहब्बत सौंपी है। जिसके बाप दादाओं ने विरासत में दहशत सौंपी है, वो आज भी तालिबान के नाम पे बंदूकें उठा रहा है। हम वो लोग नहीं है जो गरीब और मजलूमों का खून सड़कों पे बहाएं। हम वो लोग हैं जो आपकी महबूबा के सुरखोटों को अपने दिल के कलम से कागज पे उतारते हैं और उस कागज के सहारे आपके दिलों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कभी हमारे कवि कुल के पितामह अमीर खुसरो ने कहा कि जहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा नदारे में जान लेहू काहे लगाए छतियां, कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। यही प्रेम यही समर्पण जब गजल के हवाले से पहली बार मीर साहब कलम में उतरा तो मीर साहब ने लिखा कि नाजुके उसकी लबकी क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है, मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। यही प्रेम यही समर्पण जब जिगर मुरादाबादी के कलम में उतरा तो जिगर साहब ने लिखा कि एक लफ्ज मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। यही प्रेम यही समर्पण जब 20वीं सदी में गीत की आवाज बनी तो भारत भूषण साहब ने लिखा कि ये असंगत जिंदगी के द्वार सौ सौ बार रोई, ये असंगत जिंदगी के द्वार सौ सौ बार रोई, चाह में है और कोई बाह में है और कोई। यही प्रेम यही समर्पण जब वसीम बरेलवी के कलम में उतरा तो वसीम साहब ने लिखा कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। यही प्रेम यही समर्पण जब सन 2000 में पिलखवे के एक साधारण अध्यापक के पुत्र के कलम में उतरा तो पूरे हिंदुस्तान ने गाया, मोहब्बत का मुसाफिर हूँ जवां धड़कन मेरा घर है, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है जो ना समझे तो पानी है। और यही प्रेम यही समर्पण यही कसक यही टीस यही पागलपन यही जुनून यही बेकरारी जब 6 फरवरी 2019 को प्रशांत बजरंगी के कलम में उतरा तो प्रशांत ने लिखा कि एक निर्गुण को केवल थकाया कहा, आपकी कमजोर तालियां मुझे कमजोर कर देगी, थोड़ा सा मुखर हो जाइएगा। एक निर्गुण को केवल थकाया कहा, एक दृष्टि को केवल था छाया कहा, एक लड़की है साधो जगत जिंदगी, एक कबीरा ने जिसको थमाया कहा। मैं ये बात कहता हूँ, हम सब अपने निजी प्रेम में हैं, जो नहीं है वो करें, लेकिन हर प्रेम के ऊपर एक प्रेम है जिसे देश प्रेम कहा जाता है। अन्य प्रेम के साथ ये दिक्कत है कि वहाँ दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, यहाँ कोई खतरा नहीं है, यहाँ सेफ जोन है, खूब खेलो कोई मत। इसलिए मैं कहता हूँ, दो पंक्तियां पढ़ता हूँ शायर की, उसके बाद दो छंद पढ़ दूंगा अपनी जगह पे चला जाऊंगा। यूं तो अपने इश्क पे जान भी कुर्बान है, ये बताइएगा कि आप देश प्रेम को अव्वल मानते हैं। यूं तो अपने इश्क पर जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, बाबू साहब सुनिएगा कि सावली का रूप देख सावले हुए जो तुम, हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे। इतने लोग कविता सुनने वाले हैं, या मेरी छोटी बहन, सब लोग बैठे हैं। मैं एक छंद पढ़ता हूँ हिंदी कविता की तरफ से, मैम जानती हैं और आदरणीय मैम बैठी हैं, सब जानते हैं हिंदी कविता की छंद परंपरा की तरफ से एक छंद मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ, आप देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो तालियां बजाइएगा, नहीं तो चुप रहिए।
निवेदन करता कि सावली का रूप देख सावले हुए जो तुम हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे, बावली की आंख देख बावले हुए जो तुम जान लो कि प्यार में श्रृंगार नहीं पाओगे, लाल लाल अधरों पर लट्टू हुए जो लाल गाल पे गुलाल का स्वीकार नहीं पाओगे, और तीन रंग भूल यदि तीन अंग भूल यदि तीन रंग याद रखा मीत प्रीत का वो रंग उतार नहीं पाओगे, मीत प्रीत का वो रंग उतार नहीं पाओगे। तो निवेदन करता हूँ कि जिसने था भारती की भव्यता का मान रखा उनकी ही पहचान पूछने लगे थे लोग, अदृश्य एक दृश्य देख क्रोधित हुआ था मैं, प्रीत का ही परिधान पूछने लगे थे लोग, जानते हैं आन बान शान और प्राण किंतु धर्म धरा का सम्मान पूछने लगे थे लोग, हिंदुओं का हिंद जब मूर्छित पड़ा था तब मेरे राम का प्रमाण पूछने लगे थे लोग। तब पढ़ता हूँ राम के विरुद्ध रहे राम के कुपात्र पात्र, काल के कपाल को भी कालीमा घना दिया, पूछना लखनऊ में 10 मार्च दिखा रहा हूँ, निवेदन करता हूँ कि राम के विरुद्ध रहे राम के कुपात्र पात्र, काल के कपाल को भी कालीमा घना दिया, पूजना था जिन्हें पूज्यवान मान के उन्हें भी वो सम्मान छोड़ अपमान दो घना दिया, कार सेवकों ने खाई थी कसम राम की तो राम भक्त को भी घनघोर तारणा दिया, और यक्ष बन राम के प्रत्यक्ष हुए राम जब, निवेदन कर रहा हूँ कौन मंदिर बनवाया है, तालियां मुखर हो जाए, निवेदन करता हूँ कि राम के विरुद्ध रहे राम के कुपात्र पात्र, काल के कपाल को भी कालीमा घना दिया, पूजना था जिन्हें पूज्यवान मान के उन्हें भी वो सम्मान छोड़ अपमान दो गुना दिया, कार सेवकों ने खाई थी कसम राम की तो राम भक्त को भी घनघोर तारणा दिया, यक्षवन राम के प्रत्यक्ष हुए राम जब, राम ने ही राम का वो मंदिर बना दिया। राम ने ही राम का, राम ने ही राम का, बहुत बहुत। सुनिए निवेदन करता हूँ फिर एक क्षण वही सुना आपका, देखना भाई हमारा भविष्य में जमानत न जब्त हो जाए। सुनाता हूँ निवेदन करता हूँ कि राम के विरुद्ध रहे राम के कुपात्र पात्र, काल के कपाल को भी कालीमा घना दिया, पूजना था जिन्हें पूज्यवान मान के उन्हें भी वो सम्मान छोड़ अपमान दो गुना दिया, कार सेवकों ने खाई थी कसम राम की तो राम भक्त को भी घनघोर तारणा दिया, यक्ष बन राम के प्रत्यक्ष हुए राम जब, राम ने ही राम का वो मंदिर बना दिया। तो सुनिए कि पूजता हूँ प्राण पूज परिधान है निधान, परमात्मा का एक पाषाण पूजता हूँ मैं, ये बताइएगा आप कविता के लोग हैं, निवेदन कर रहा हूँ कि पूजता हूँ प्राण पूज परिधान है निधान, परमात्मा का एक पाषाण पूजता हूँ मैं, पूजता हूँ भ्रिकुटी की भव्यता मैं भवानी की, अनग अनंत आसमान पूजता हूँ मैं, पूजता हूँ वंदे मातरम गीत मीत संग जनगण मन का ही गान पूजता हूँ मैं, पूजता हूँ पवित्र प्रेम का परिणाम राम, राम का ही धाम हिंदुस्तान पूजता हूँ मैं, राम का ही धाम हिंदुस्तान पूछता हूँ मैं। तो सुनिए कि युगों का संताप मिटा भगवा अपना लहराया है, तब जाकर अभी हमने गौरव से शीश उठाया है, पुनः शिला लेख बनकर इतिहासों को दोहराया है, अयोध्या नगरी को फिर से दीपोत्सव से सजवाया है, हमने जो कहा था वो हमने करके दिखलाया है, राम लला का मंदिर भव्य हमने वही बनाया है। राम लला का मंदिर भव्य हमने वही बनाया है। आप क्रम है, मैं आप सबसे अनुमति चाहता हूँ, तो इसके बाद भैया को सुनना है, हमें सुनना होगा, तो इसके बाद आप कह देंगे मैं सुना दूंगा कुछ, लेकिन एक बार तालियां बजा दी है, इतनी मेहनत किया। किशोर जमाना चलता है, किशोर जवानी चलती है। आप बनारस वाले हैं और काशी में जिंदा लोग बहुत लोग हैं, यहाँ कहा जाता है कि हर पत्थर जहाँ का पारस है वो जिंदा शहर बनारस है, और ये अना का शेर सुनिए भैया, आदरणीय मैम बैठी हैं, गालिब साहब को कहते हैं वो अना का शेर है, वो बहुत कहते हैं लेकिन पेंशन के लिए इधर से उधर घूमते रहते थे, हम आपको अना का शेर सुनाते हैं भारतेंदु जी की, उनका एक शेर है कि सिजदे से अगर बहिष्ट मिले दूर कीजिए, झुक के अगर स्वर्ग मिले तो दूर कर दो, सिजदे से अगर बहिष्ट मिले दूर कीजिए, दोजख ही सही सर का झुकाना नहीं अच्छा, ये भारतेंदु साहब का शेर है। तब ये कहता हूँ ये काशी और ये जिंदा दिल लोगों की जगह है,
यही लिखा गया था हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभास मुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये उस बनारस में है। आप सब ने राम की बात की, भैया तो इतना कह दिए कि आप मेरा कहना भी मुश्किल कर दिए हैं, लेकिन मैं आपको कह देता हूँ, 2-3 मिनट में केवल कहूंगा, निवेदन करता हूँ बस इस बात के साथ कि राम इस देश की अभिव्यक्ति है, राम इस देश की शक्ति है, राम इस देश की आराधना है, और राम ही इस देश की संकल्पना संभावना सब है, इनके इतर कुछ है नहीं। तब पढ़ने की कोशिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि संतरासों के सैल शिखर का इतिहासों का वाची हूँ। जो लोग अभी तक खामोश रहे, अब तक मैंने अगर कुछ थोड़ा बहुत भी आपके समक्ष मैंने मेहनत की हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और अंतिम जाते जाते ये पूरा सेमिनार हॉल भारत माता के स्वर में गुंजित होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं इस कवि सम्मेलन की समाप्ति करूंगा, निवेदन करता हूँ कि संतरासों के सैल शिखर का इतिहासों का वाची हूँ, हिंदुस्तानी माटी का बेटा बलिदानी दाधीची हूँ, मैं सत्य सनातन संस्कृति का केवल एक उपासक हूँ, तुम्हें बताता हूँ समझो मैं शिशुपाल का नाशक हूँ, रावण का जो दम्भ हरे मैं, रावण का जो दम्भ हरे मैं, रावण का जो दम्भ हरे मैं, उस दर्पण का दासी हूँ, रग में जिसके राम बहे मैं उस भारत का वासी हूँ, रग में जिसके राम बहे मैं उस भारत का वासी हूँ, कि समर धरा में मित्र हमारे क्रांति की एक ज्वाला हूँ, दुर्योधन विध्वंस करे जो अर्जुन का रखवाला हूँ, तीर जो छूटे तरकस से एक मैं उसकी आशा हूँ, समर क्रांति के सम्यक रथ पर वीरों की परिभाषा हूँ, मैं सत्ता का सिर शिखर हूँ, मैं सत्ता का सिर शिखर हूँ, जनता का प्रत्याशी हूँ, रग में जिसके राम बहे मैं उस भारत का वासी हूँ। जो लोग कहते हैं उनको ये निवेदन करता चलूं, ये देश किसी आबर बाबर की धरती नहीं है, ये देश उसी रहीम खान का है जिन्होंने कहा कि रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सब जब नहीं जपत कुरान, ये उसी रस खान की धरती है जिसने कहा कि क्या कहूँ मैं दधी के लुटैया का बालपन, कैसा था कृष्ण कन्हैया का बालपन, ये उसी वाहिद अली वाहिद की धरती है जिन्होंने कहा कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी राणा का वंशज है फेंक जहाँ तक पाला जाए, ये उसी जुबैर अली ताबिज की धरती है जिसने कहा कि बंसी सब सुर साधे है अपने धुन में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का सब कुछ राधे राधे है, ये उसी सलमान जफर की धरती है जिसने कहा कि शक्ति थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं, शक्ति थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम ठीक है भाई पर कट्टर होना ठीक नहीं। तब मैं निवेदन करता हूँ, पंक्तियां निवेदित करता हूँ, आप पूरे जोश के साथ सुनेंगे, निवेदन करता हूँ कि चीरकाल से कथा हमारी सभ्यता बड़ी पुरानी है, एरे गेरे नथु खेरे तेरी नई कहानी है, तुम क्या जानो जौहर क्या है, तुम में औकात कहाँ, जिहादी जचंदों में महाराणा जैसी बात कहाँ, जिहादी जचंदों में महाराणा जैसी बात कहाँ, तो सुनो ध्यान से कहूँ तुझे मैं, सुनो ध्यान से कहूँ तुझे मैं, हर खिलजी की फांसी हो रग में जिसके राम बहे मैं उस भारत का वासी, रग में जिसके राम बहे मैं उस भारत का वासी हूँ। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा आप सब, ये भारत देश है, पूरी भारतीयता के साथ इस सम्मेलन की मैं समाप्ति चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा सब, निवेदन करता हूँ कि मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भुजबल का सम्मान सुनो, पावन भू की गौरव गाथा वीरों का बलिदान सुनो, समर भूमि में निज पुरुष से रिपुदल का संधान सुनो, मेरी कविता में केवल तुम जय जय हिंदुस्तान सुनो। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा भैया, बस 2 मिनट और उसके बाद समाप्ति कर दूंगा, हालांकि आप लोग इतने निराश हो गए हैं तो मैं चाह रहा हूं कि मैं समाप्ति कर दूं, इसलिए आप एक बार जरा दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजा दीजिए, मैं समाप्ति की स्थिति में हूं, मैं सेवा के संस्थानम के जितने भैया लोगों से निवेदन करता हूं एक बार आ जाएं आप लोग, ताकि ये लोग जाने कि आप के तत्वावधान में ये कार्यक्रम हुआ है, और आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं और इससे अच्छा किया भी नहीं जा सकता है। उनका एक शेर बशीर बद्र साहब का है, आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, सुनिए कि चरागों को आंखों में महफूज कर लो, बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। हमारे हिंदी के बड़े कवि हुए भगवती चरण वर्मा, उनकी पंक्तियां हैं, निवेदन करता हूं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले, हमारा तो काम है भाई, हम यहां गाते हैं कल वहां गाएंगे, आज आप कम सुने कल कोई ज्यादा सुने, इसका तनाव नहीं रहता हमारे बीच,
तो मैं ये कहता हूँ कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। एक बार जरा दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के बीच में इस सम्मेलन की समाप्ति चाहता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।